हेलो व्हाट्सअप गाइज, आज अभी हम निकले हैं एक बेहतरीन लोकेशन के लिए। हमारे साथ है प्रियल, हमारे साथ है रिदान जो सोने का नाटक कर रहे हैं और वो भी ब्लॉग करने का ट्राई कर रहा है। तो अभी हम निकले हैं एक ऐसे बेहतरीन लोकेशन में जो है हमारे घर से हार्डली लगेगा आधा घंटा, मतलब कुछ भी नहीं, और फिर ऐसे लगेगा कि हम पुणे के बाहर ही आ गए हैं। वहाँ से पुणे का सारा नज़ारा दिखेगा। अभी हम लंच के लिए जा रहे हैं और ये बीच बीच में इसका कैमरा आ रहा है ब्लॉगिंग का, ये इस पे चैनल पे डालता है। इसके चैनल का नाम है धूमकेतु रिदान कुंभार, तो आप देखिएगा इसके चैनल को चिन्ह के रिदान कुंभार के सब्सक्राइब करने का। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और लंच में क्या रहेगा वो भी हम बताएंगे खाते समय। आप देख सकते हो वाकड़ में सारा रास्ते का काम चालू है, हर जगह पे ट्रैफिक लगा हुआ रहता है और ये एक ही वो वे को इन्होंने वन वे बना दिया है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी शाम में ट्रैफिक जाम होता है। ये वाकड़ का छत्रपति चौक है, यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम होता है, यहाँ से ब्लॉक कर दिया है इन्होंने। अभी हम सामने से राइट टर्न लेंगे और मुंबई बेंगलोर हाईवे पे जब लगेंगे तब विट से हम सुस रोड के लिए निकलेंगे। मौसम कैसा है? अभी 2 मिनट पहले बारिश थी और अभी धूप निकल गई है। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे हिंजवाड़ी के लिए और वहाँ से फिर जाएंगे विट्स की तरफ और वहाँ से जाएंगे सुस रोड की तरफ। ये हम आ गए हैं मुंबई बेंगलोर हाईवे पे। यहाँ से 3 किलोमीटर सीधा स्ट्रेट और फिर लेफ्ट में जाना है हमें, राइट फिर राइट टर्न यू टर्न लेके राइट में जाएंगे। ये लेफ्ट में आपको जो बिल्डिंग दिख रही है बेंगलोर मुंबई बेंगलोर हाईवे पे, ये एवीएन विस्टा है जहाँ पे हमारे फ्रेंड मधुरा और शंतनु रहते हैं। आप देखिए इन बिल्डिंग्स को, ये हाईवे पे है। यहाँ से ऊपर से कल्पना कीजिए कैसे नज़ारा होगा साइड का, और राइट साइड में बालेवाड़ी स्टेडियम है। ये एवीएन विस्टा की बिल्डिंग्स और ये है मुंबई बेंगलोर हाईवे। ये जो आपको राइट में दिख रहा है ये मेट्रो लाइन है जो जाएगी यहाँ पे हिंजवाड़ी की तरफ। तो ये है मुंबई बेंगलोर हाईवे। दोस्तों आज का जो लोकेशन है जहाँ पे हम जा रहे हैं वह एक सरप्राइज है, और पुणे में भी ऐसी जगह हो सकती है कि कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। तो प्रियल का कहना क्या है इस चीज पे? गुड सरप्राइज। देखो जैसे आप देख रहे हो कि प्रियल को भी बिलीव नहीं है, यकीन नहीं है कि ये इतनी अच्छी जगह हो सकती है। तो लेट्स सी, ये पुणे में ही रह के और इतना पास रह के इतनी बेहतरीन जगह भी एग्जिस्ट करती है ये हम देखेंगे अभी। तो मिलते हैं जगह पे। ये हम सर्विस रोड से सुस रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको राइट साइड में अगर वो कंपनी दिख रही है तो देखने की कोशिश कीजिए बिट वाइज। यहाँ से अगर राइट लेंगे तो वहाँ पे प्राची और अभिजीत काले जो हमारे रिश्तेदार हैं वह रहते हैं, और लेफ्ट में अगर हम सीधा आगे बढ़ेंगे तो आपको आप पाओगे कि रेनॉल्ट का शोरूम आएगा जहाँ से हमने गाड़ी ली थी ट्राइबर, इसका शोरूम आएगा और किया का शोरूम भी आएगा लेफ्ट साइड में सर्विस रोड पे। अभी ये रास्ता सीधा जाएगा ब्रिज की तरफ जहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेके यू टर्न लेके सुस गांव की तरफ जाएंगे। ये बिटवाइज कंपनी, यहाँ से अगर आप राइट लेते हो नीचे से तो फिर वहाँ से आते हैं अभिजीत और प्राची काले का घर। उनका घर बहुत ही सुंदर है, प्राची खुद एक इंटीरियर डिजाइनर है। ये किया का शोरूम, ये किया का शोरूम और
इसके आगे में आप पाओगे रेनॉल्ट का शोरूम। अब अपने कार को लगभग 2 साल हो गए हैं और अच्छे कंडीशन में चलती है, बढ़िया इसका एवरेज है। ये रेनॉल्ट का शोरूम जिसकी मैं बात कर रहा था। जितने भी लोग आप जो ब्लॉग देख रहे हैं आप देखिएगा पुणे में ऐसी ऐसी प्लेसेस है हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे, आपको यकीन नहीं होगा कि आप सिर्फ गाड़ी लेके निकल लो, आधे घंटे में आप ऐसे जगह पे निकल जाओगे आपको लगेगा कि ये तो जंगल आ गया, ये तो माउंटेन आ गया है, ये तो नदियाँ आ गई। तो पुणे का क्लाइमेट भी अच्छा है, तो आप आइए पुणे में आइए और एक्सप्लोर कीजिए। ये यहाँ पे हम अभी ब्रिज पे चढ़ने जा रहे हैं सुस रोड के लिए। राइट साइड में ये जो ब्रिज दिखता है वहाँ पे सुस गांव है, हमें वहीं पे जाना है। तो सामने में हम जाके लेफ्ट टर्न लेंगे और वहाँ से यू टर्न लेंगे तो हम पहुँचेंगे सुस गांव की तरफ। ये यहाँ पे इस साइड में हमें जाना है और ये लेफ्ट साइड में जो चीज़ आपको दिख रही है वह है बानेर टिकड़ी, वहाँ से बहुत ही बेहतरीन व्यू आता है। अब हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे सुस रोड की तरफ, हमें जाना है राइट में सुस गांव की तरफ। ये सुस रोड, सुस रोड की तरफ ये जाता है, सुस रोड की तरफ हमें यू टर्न लेना है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सामने में रिलायंस और बिग बाजार आता है, वहाँ पे हमारी फ्रेंड प्राजक्ता रहती है जो एक खुद एक डेंटिस्ट है और अभी फ़िलहाल उन्होंने खुद का क्लिनिक ओपन किया है एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। और वो क्लिनिक उन्होंने खोला है सुस गांव में, यहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। ये हमने यू टर्न ले लिया है, ये मुंबई बेंगलोर हाईवे अगर आपको दिख रहा है। और ये हमने यू टर्न लेके वी आर गोइंग टुवर्ड्स सुस गांव। सुस गांव में प्राजक्ता का क्लिनिक है, तो अगर हम वहाँ से पास हुए तो मैं दिखाऊंगा कहाँ पे प्राजक्ता का क्लिनिक है। जैसे कि आपने देखा अभी धूप थी और अभी आउटकास्ट कंडीशन आ गई है और मौसम बहुत ही बेहतरीन बन गया है। अब देखिए इधर माउंटेंस, ये सुस गांव है, हम सुस गांव की तरफ जा रहे हैं। ये सुस गांव और ये राइट साइड में प्राजक्ता का दवाखाना सोनरिसा डेंटल क्लिनिक, जो सुस गांव का सबसे बेहतरीन डेंटल क्लिनिक है। ये है सुस गांव। तो हम दोस्तों सनीज वर्ल्ड में आ गए हैं, हम यहाँ से एंट्री करेंगे। तो हम आ गए हैं सनीज वर्ल्ड में, ये सनीज वर्ल्ड की एंट्री है। अभी हार्डली हमको 20 मिनट्स हुए और हम पहुंच गए हैं सनीज वर्ल्ड में। ये एक रिसॉर्ट है और हम संडे का लंच यहाँ पे करने आए हैं सनीज वर्ल्ड में। ऑलमोस्ट ये जंगल में रिसॉर्ट बनाया है, सर्कल से राइट। हाँ, यहाँ पे इनका खुद का मंदिर है। इधर से देखेंगे
को हम पहुंच गए हैं सनी जोल में। दोस्तों हम पहुंच गए हैं सनीज वर्ल्ड में और ये रिटर्न और बहुत एक्साइटेड है ब्लॉग करने के लिए। सनीज वर्ल्ड से नज़ारा देखते हैं, ये बच्चा ब्लॉग कर रहे हैं और वो लड़की रियल देख रही है। ये देखिए, ए दिस इज सनीज वर्ल्ड रेस्टोरेंट। और बाहर में ही पता चल गया यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। बेस्ट ऑफ इंडिया, ये देखो, ये तो बेस्ट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट दे दिया है सीधा रिदान ने। तो ये रिदान और प्रियल चल के आ रहे हैं एंट्री पॉइंट ऑफ रेस्टोरेंट वेयर वी आर गोइंग टू हैव लंच टुडे एंड देयर सीम्स टू बी लॉट ऑफ क्यू। यहाँ पे खेल खेल रहे हैं, देख रहे हैं ये कार ये है पूरा पानी और ये लड़की यहाँ से आ रही है चल के हुए और लड़की को सरप्राइज कैसे लगाए और ये लड़का ब्लॉग कर रहा है। तो ये ब्यूटीफुल व्यू है सनीज वर्ल्ड से, ये सारा बानेर साइड है, यहाँ से हिंजवाड़ी के लिए रास्ता जाता है। यहाँ पे तेज हवा चल रही है, देखिए आप इस सनीज वर्ल्ड से व्यू, ये सारा हिंजवाड़ी एरिया है। ये ऐसी भी प्लेस अपने घर से सिर्फ 20 मिनट्स में। गए हैं सनीज वर्ल्ड में, ये कॉटेजेस है जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं और अभी हम जाएंगे और थोड़ी जगह घूमेंगे यहाँ पे फिर घर जाएंगे। ये हवा देखो कैसे चल रही है, सनीज वर्ल्ड में हवा देखो कैसे चल रही है और आप देखो नजारा। हम 360 व्यू लेंगे तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया है सनीज वर्ल्ड में। मिल गया और वो हल्को हाक कर रहा है। ये ब्यूटीफुल प्रीमाइस देखो सनीज वर्ल्ड का,
अभी हम नीचे के रेस्टोरेंट में आए और वहाँ पे खाना के लिए वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, तो शायद हम और दूसरे रेस्टोरेंट में जाए। पर आप तब तक ये प्रीमाइसेस देखिए, ब्यूटीफुल प्रीमाइस। तो यहाँ पे हम कैरेटेरा में आ गए हैं और यहाँ पे हट 60 में, और यहाँ पे हमारा लंच होगा। मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दिल दिल दुश्मन के हिलते हैं। विद दिस देयर कम into our today's vlog। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलते जाएंगे, बने रहिएगा।